हाँ पुष्पेंद्र, क्या बोल रहे थे आप? सर आई वॉज सेइंग कि सम ऑफ अस आर न्यू इन योर क्लास, हाँ तो हम कह रहे थे कि सर एक बार मॉड्यूल स्टार्टिंग टू से से भी, स्टार्ट यस कर, सर, क्योंकि मॉड्यूल टू से स्टार्ट मॉड्यूल वन तो बेसिक है सर, वो तो हो जाएगा। ओके जब सेकंड से स्टार्ट करते हैं सर। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं बेसिक्स के, है ना। और क्या क्या प्रैक्टिकल्स है मैं बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनपुट आउटपुट एल्गोरिदम। लिखते आता है आप लोगों को एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं? नो सर, एल्गोरिदम नहीं आता है आप लोगों को, तो एक काम करते हैं, एल्गोरिदम ना आप खुद से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट वीक में पूछूंगा, है ना। वो थ्योरेटिकल है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दो टॉपिक आप लोगों को करना है। फाइन, क्या क्या करना है आप लोगों को? एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्टिंग, ये आप लोगों को करना है। ये आप लोग थ्योरेटिकली रीड करेंगे, उसके लॉजिक देखेंगे किस तरह से लॉजिक चल रहे हैं, और जो नहीं समझ में आएगा वो फिर मैं बताऊंगा। कुछ सिंबल्स होते हैं, आप जैसे नोट्स बनाते हैं तो कुछ कुछ चीजें एंटर करते हैं, ऐड करते हैं, एक के बाद एक सिंबल सिंबल ऐड करते जाते हैं, वैसे ही फ्लो चार्ट होता है। फाइन, तो लेट मी क्लोज द डोर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, विदाउट कंप्यूटर, ओके। आप सिर्फ मोबाइल पे यदि प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से, या तो मोबाइल से भी आप कर रहे हैं तो सही प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी नहीं बनेगा आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर। सर दिस इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर वन। यस, कोई आपने कहा डाउट? था आप हमें लेटेक्स सिखाएंगे, हाँ, अलग से सिखाना आपने पड़ेगा कहा क्योंकि, था याद आने के लिए। हाँ मुझे याद तो था लेकिन किसी ने याद ही नहीं दिलाया तो मैंने भी याद नहीं किया, है ना। नहीं तो कोई मैं ना, लेटेक्स आज सिखाए या नेक्स्ट वीक सिखाए? सर आज सिखा दो। यस आज सर सिखा आज दो। सिखा दो सर, कब से वेट कर रहे हैं। ओके पुष्पेंद्र, आप ये लेटेक्स सीख लो, नहीं है ना। नए बच्चे लेटेक्स, भी जो है उनको, हाँ वो ईमेल एड्रेस होगा तब तो हम ऐड कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस है नहीं हमारे पास। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग सर। कोर्सेरा कोर्स के बारे में भी जरा समझा देते हैं हमें। कोर्सेरा कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले कोर्सेरा कोर्स बता देता हूँ। कोर्सेरा में आप लोगों को कोर्सेरा पे लॉगिन करना है, ठीक है। कोर्सेरा ऐसे टाइप करेंगे, COURSERA, और एंटर कर देंगे तो वो बहुत सारी वेबसाइट दिखाएगा, और इस वेबसाइट में हमारे पास ये कोर्सेरा का एक कोर्स है ड्यूक यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। ओके, सी प्रोग्रामिंग, सर इट्स नॉट विजिबल। ओके।
सो सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्स है इसमें, है ना। आप लोगों को करना क्या है, ड्यूक यूनिवर्सिटी का करना है। ड्यूक यूनिवर्सिटी आप टाइप करेंगे, यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग आएंगे इसमें। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी करके लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कॉपी करके दिया भी था। और इसके बाद आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करेंगे हम किससे लॉग इन करेंगे, जो भी अकाउंट होगा उससे आप सिंपली लॉग इन कर लो। और लॉग इन करने के बाद ओके, ये आप लॉग इन कर चुके हैं। लॉग इन करने के बाद यहाँ फॉर स्टूडेंट आता है ना। सो स्किप किया, और फॉर स्टूडेंट में आप जाएंगे। फॉर स्टूडेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। कौन सा ईमेल आईडी है आपका, जो यूनिवर्सिटी का है ना, s.met.edu। ये आप टाइप करेंगे, लिंक एंड स्टार्ट लिखेंगे, और इसके बाद फिर ये मतलब बताएगा आपको, और एक स्क्रीन तक ले जाएगा, उसमें स्टूडेंट आपको रखना है। फाइन, अपने आप को स्टूडेंट में मेंशन करके रखना है, और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के बाद आप लोगों को ये कोर्स शुरू कर देना है। कोई डाउट है इसमें? ओके सर, सर सर विल इट चार्ज कितने फॉर मनी घंटे और का इट इज होगा फ्री? डेली? डेली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे आप सैटरडे को स्टार्ट करते हो या फ्राइडे को स्टार्ट करते हो इस कोर्स को, है ना। बेहतर यही होगा कि आप लोग फ्राइडे को स्टार्ट कर लो शाम को, और उसके बाद स्टार्ट करो रीडिंग, तो मे बी वो मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। फोर कोर्सेस है उसमें, ठीक है। इसको अब दिसंबर के कैसे कोर्स लास्ट वीक में कर लें, दिसंबर कब कर लें, दिसंबर के लास्ट वीक में? लास्ट हाँ, आप कभी भी कर वीक सकते सर। हो। हाँ, कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इस वीक में सर थोड़े असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको कर लिया तो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कोर्सेज आप करेंगे, है ना, इस कोर्स में आपके पास पूरी चीजें, यानी चारों के चारों सर्टिफिकेट, पांच सर्टिफिकेट आएंगे आपके टोटल। पांच सर्टिफिकेट कैसे आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम लेंगे या क्या चीज ये। हाँ, इसमें एग्जाम भी होगा। ये है कोर्स, ठीक है। और छोटे छोटे जैसे हमारी यूनिट है, वैसे ये इसने चार सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ये लिखा है, चार कोर्सेज इन दिस स्पेशलाइजेशन। दिस इज नेम एज स्पेशलाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी स्पेशलाइजेशन। पहला है हमारा फर्स्ट यूनिट, ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट है, ये भी सेकेंड यूनिट में आएगा। देन ये थर्ड और फोर्थ यूनिट के कॉन्सेप्ट आ गए, एंड ये फाइनल यूनिट के कॉन्सेप्ट आ गए। मिक्स है एक्चुअली, ये पूरा की पूरा थर्ड फोर्थ यूनिट है, ये कुछ सेकेंड और थर्ड यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल सीखेंगे, इसको खत्म करने में आपको आधे एक घंटे लगेंगे, इसको खत्म करने में आप लोगों को 2 घंटे करीब लगेंगे, इसको 2 घंटे और इसको 2 घंटे लगेंगे। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। एग्जाम नो कैसे होगा सर डाउट, इसका? इसका एग्जाम डायरेक्ट यही होता है। यहाँ पर क्विजेस रहते हैं और प्रोग्रामिंग असाइनमेंट रहते हैं। क्विज के 3 अटेम्प्ट रहते हैं, आप लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद उसी में से क्विज पूछा जाता है, ठीक है। सर यस सर। सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट, सो प्लीज एड मी इन योर ग्रुप।
सोनम राघव यस सर आपको ऐड नहीं किया क्या मैंने नो सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास ओके सेक्शन हो गए आप ऐड यस सर ओके तो आप सारे लोग इसको करना शुरू कर दो ठीक है इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपकी होते जाएगी और कोई डाउट है आप लोगों को नो सर फाइन अब आप लोगों को प्रोग्रामिंग तो आती है ना मैं सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूँ हम लोग बात कर रहे थे लेटेक्स की तो लेटेक्स आप कहाँ से यूज करेंगे ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है मैं दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूँ ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना आप लोगों को या तो सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और यदि आप सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है ऑनलाइन के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा ओवरलीफ में ठीक है वहां एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ओवरलीफ ये ओवरलीफ में आप गए और यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद ये लॉग इन हो जाएगा आपके जो भी गूगल अकाउंट है या किसी और चीज से जिससे भी आप करना चाहते हो है ना अब इसके बाद आप जो भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक प्रोजेक्ट आप लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि हमारे पास एक प्रोटेक्स नाम का पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है ठीक है जैसे आप प्रोटेक्स पे जाओगे प्रोटेक्स को क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड करोगे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दी हुई है अब इस लिंक में से ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए और अनपैक कर लीजिए 1 GB के आसपास का है ठीक है जब इसको आप अनपैक करेंगे तो 2 GB के आसपास हो जाएगा फिर आपको इंस्टॉलर दिखाई देगा उसको डबल क्लिक करेंगे वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा स्क्रीनशॉट यदि दिया है तो मैं देख लूं तो ये इस तरह से स्क्रीन आएगी इसमें आपको इंस्टॉल क्या करना है ठीक है ये सबसे पहले आप प्रोटेक्स रन करोगे रन करने के बाद वो मिकटेक और टेक्स्ट एडिटर के बारे में पूछेगा आप उसको मिकटेक को करेंगे पहले और फिर नेक्स्ट 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 करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे ठीक है ये इंस्टॉल हो गया अब इसके बाद ये पूरा इंस्टॉलेशन चालू होगा इंस्टॉलेशन चलने के बाद इट विल आस्क अनदर क्वेश्चन टू इंस्टॉल सेकेंड थिंग So remember whether you are going to install 64-bit or 32-bit. Okay? तो ये इस तरह से install होते जाएगा जैसा दिख रहा है आप लोगों को right hand side पे कभी कभी ऐसी एरर आती तो ये भी आप लोगों को देख लेना ठीक है नेक्स्ट इज आप लोगों को वो नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करने को बोलेगा मिकटेक के बाद वहां पर दूसरा एक और पैकेज आएगा वो पैकेज है टेक्सनिक एडिटर ओके तो आपको वो एडिटर भी वो कर लेना है इंस्टॉल कर लेना दोनों के इंस्टॉलर कॉमन है तो आप जिसको भी इंस्टॉल करना पहले तो मिकटेक को ही इंस्टॉल करना है इसके बाद ही दूसरे को इंस्टॉल करना है क्योंकि दूसरा तो सिर्फ एडिटर है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अब हम एडिटर ओपन करते हैं सो दिस इज द टेक्स्ट मेकर एडिटर यू कैन एडिशनली इंस्टॉल टेक्स्ट मेकर एडिटर आल्सो ये आप लोगों को टेक्स्ट मेकर दिखाई दे रहा है
यहाँ पर बहुत सारी चीजें, फाइल न्यू, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ओपन, ओपन रिसेंट, क्लोज फाइल, ओके, सेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू ओपन. सो लेट मी क्रिएट वन डॉक्यूमेंट फर्स्ट. So this is one document created by me, and I am creating one book. So automatically all the packages are given here. Now you can write your document, fine. So let me copy some random text from some website, like I want to design the courses, okay. So this is our course number one, programming fundamental. So I am writing here chapter, and the name is programming fundamental. sir kuch samajh mein nahi aa raha hai, matlab kis type ka kya hai. ha main abhi aapko bata raha hu na, abhi aapne to programming start nahi ki na mere khayal se. no sir, this first class hi hai bas. main actually पिछले हफ्ते हमारी एक बात हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि मैं इन लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का एक टूल समझाऊंगा. तो अभी आप धीरे धीरे देखते जाइए, फिर मैं आपका जब जब इसका एग्जीक्यूशन होगा ना, तब आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. अभी आप सिर्फ देखते जाइए, कुछ कॉपी कर रहे हैं और कुछ पेस्ट कर रहे हैं. कॉपी क्या कर रहे हैं हम, सिलेबस कॉपी कर रहे हैं. जो यहाँ पर इनका सिलेबस दिया हुआ है ड्यूक यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्रामिंग का, तो उसको हम केवल कॉपी कर रहे हैं. एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, है ना, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं. जैसे वर्ड होता है वैसे ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लेटेक्स. ओके सर. ये हमने एग्जैक्ट वही सिलेबस वहां से पूरा कॉपी कर लिया है जैसा वहां पर दिया हुआ है. कितने चैप्टर्स बनेंगे, टोटल 4 चैप्टर बनेंगे. अब हम तीसरे चैप्टर को, ये मैं वेबसाइट से कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो वेबसाइट में जाएंगे तो खुद ही दिख जाएगा आपको. अपने पास तो एक बुक भी रखी हुई है, तो उसको भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाद में करेंगे. ये हो गया, और ये लास्ट चैप्टर एक और आ गया. अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं. पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा, है ना. तो हमने सेव किया इसको, हमारे कौन से फोल्डर में सेव किया इसको, एमएटी वाले में. एमएससी लैब करके एक फोल्डर होगा, एमएससी लैब इज नॉट अ फोल्डर, न्यू फोल्डर. ओ सी प्रोग्रामिंग के अंदर होगा एक्चुअली, तो सी प्रोग्रामिंग ये है, सी के अंदर एमएससी लैब. ओके, न्यू फोल्डर एमएससी लैब. तो यहां मैंने इस फाइल का नाम दिया ड्यूक यूनिवर्सिटी, ड्यूक नाम दे दिया मैंने, ठीक है. अब ये फाइल जब मैं रन करवाऊंगा, अब देखिए यहां पर कुछ एरर आ रही है. ये बोल रहा है द कमांड ऑफ समथिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड. सो मे बी यहाँ पर इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा होगा. ये ओके, कोरियर. हम कुछ सारी पैकेजेस को हटा के देखते हैं. ये आप देख रहे हो यहाँ पर चैप्टर वन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑटोमेटिकली इसने लिखा है. फिर चैप्टर टू राइटिंग एंड रनिंग एंड फिक्सिंग कोड. ओके, देन चैप्टर थ्री इज रिटन एंड देन चैप्टर फोर इज रिटन. व्हाई वन पेज लेफ्ट ब्लैंक? ऑल द इवन नंबर पेजेस, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा फ्रंट पे आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे, ऑड नंबर पेजेस पे. ओके, तो इस वजह से ये यहाँ पर दिया हुआ है, फाइन. अब ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा. अब इस फाइल में आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आप लोगों को शेयर करने. सिमिलरली यदि मैं यस गिव मी वन मिनट.
आप लोगों ने यहाँ देख लिया होगा कि किस तरह से केमिस्ट्री के भी फॉर्मूले यहाँ पर आ जा रहे हैं. यस सर नो? यस सर. अब मैथमेटिक्स तो सबसे आसान है एक्चुअली, तो मैथमेटिक्स हम लास्ट में बताएंगे, पहले केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले है ना. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले. कैसे दिखेगा ये, जैसे ये एक एग्जांपल है अभी हम बता रहे हैं, अलग अलग किस्म के एग्जांपल हैं. आपको बस केमिस्ट्री के फिगर का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर डालना पड़ेगा. जैसे अभी मैंने कैम फॉर्मूला डाला है यहाँ पर, कैम फॉर्मूला के अलावा कैम फिक करके एक और पैकेज आता है, उसको आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, ये सारे के सारे मिल जाएंगे. आप सपोज आप कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, तो यहाँ हम दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि क्या है कि केमिस्ट्री वालों को जब तक ये चीजें पसंद नहीं आएगी तब तक वो इसको यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ देखिए कि हमने ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं. कौन से फॉर्मूले बनाए हुए हैं? केमिस्ट्री फिगर नाम का. इसमें हाइड्रोजन और उसके साथ बॉन्ड है, फिर पोजीशन नंबर डाली है 2 और 0.5 एंड 2, ये कुछ डायमेंशन है 7 7. ये केमिस्ट्री वाले ही बता पाएंगे, ये मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, प्योर बेंजीन है कि नहीं, आई डोंट नो. ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली देखने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना पड़ता. सबसे अच्छी बात यह है आप सीधे लिख लो, जैसे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को पता है या किसी और का भी फॉर्मूला पता है. तो बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, बहुत सारे पैकेजेस, सरल सरल फॉर्मूले. जैसे एक पैकेज है हमारे पास जिसमें यदि आप लोगों को कोई फॉर्मूला बनाना है इस तरह का, एक पैकेज है, बहुत ही स्पेशल नाम है इस पैकेज का, स्त्री. ठीक है, आप यदि स्त्री नाम का पैकेज यूज करेंगे तो ये हमारे पास एक स्त्री नाम का पैकेज है. और आप यहाँ पर यदि फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला बनाया ये वाला, अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा केमिस्ट्री वालों को, मुझे तो बिल्कुल समझ से बाहर है ये. ये एक फॉर्मूला है, 0th पोजीशन पे क्या है, 4th पोजीशन पे क्या है, 8th पोजीशन पे क्या है. तो ये फॉर्मूला जो है, ओके, स्त्री हैज गिवन सम स्त्री डॉट स्टाइल. सो दिस फाइल, समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपके पास ये फाइल ही नहीं होगी, तब आपको ये फाइल जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी. और डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना है और टाइप करना है स्त्री डॉट स्टाइल, या फिर यहाँ पर ही एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन अपडेट ऑप्शन इज नॉट देयर. वो यस, अपडेट ऑप्शन इज नॉट देयर. एक्चुअली यू नीड टू अपडेट इट फ्रॉम सम अदर थिंग. सो लेट मी नॉट यूज स्त्री फॉर्मूला, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट दिस इज वेरी सिंपल. और मैं एक बार बस आपको ये फॉर्मूला रन करके दिखा देता हूँ. स्त्री डॉट स्टाइल, str.st.y फाइल. So this file is available and I had copied the file, save as, okay, save as file, all document, and then come to the folder, which folder, C folder, and MSC lab, inside that latex, and so ye stree dot style file maine waha copy kar di hai. Save as all files,
तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बहुत छोटी सी लाइन लिखने से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। So now, this formula for chemical structure is also given here. SS family. Let me enter. Fine. And let us now delete this. This one is complicated, bit complicated. So let me write very simple formula. So this is chemical formula. 2 nitrogen and CH3, तो CH3 इज रिटन लाइक दिस। अब किस प्लेस पे है आपको वो यहां पर देखना पड़ेगा, फोर्थ प्लेस। इसमें एट्थ प्लेस कहां पर आ रहा है? एट्थ प्लेस इक्वल्स टू 6O, 8-6O। आई डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेस इट, बट इफ यू रीड इट यू कैन create your own formula, chemistry formula also. Even biotechnology student can create the DNAs also. So many things are there. Fine. So let us now once again come to the start. अब आप लोग बताइए इसमें क्या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सोनम को तो कुछ समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे राहुल, पुष्पेंद्र जो लोग हैं वो बताइए। आप लोग क्लास में हो या नहीं हो? यस सर। सर है, आपने कॉपी हमें लिखना होगा, अगर हम कॉपी नहीं करना चाहे तो टाइप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में हमें मिल जाएगा सब। ये आपको चाहिए क्या, टाइप किया हुआ प्रैक्टिस के लिए? ओके, सी यू कैन आल्सो डू प्रैक्टिस हियर, जस्ट टाइप ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओवरलीफ देयर इज वन मोर एडिटर, आई थिंक ट्यूटोरियल्स पॉइंट इज देयर वेयर नथिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड आई एम पेस्टिंग द होल थिंग फ्रॉम हियर टू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ अरे कहते रहा हूं चांद पे पहुंच गए। फाइन,
ये मैंने कर दिया, यहाँ टेक्स्ट फाइल बना दी। अब टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद आपको इसको क्या करना है, रन करवाना है ना। तो रन करवाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, एवरीथिंग इज गिवन प्रीव्यू, यस, जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू। Okay, so there is no meaning of this editor. Tutorial point is Taperia. Actually, one editor is there, and this editor okay fine, so control A control V, this is our content, and now I'm going to compile this file. Chemistry formula cannot be either you need to log in, because until you logged in, जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे तब तक आपका ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पर एक फाइल ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो वो फाइल एक्चुअली ये है s3.style फाइल, requires percent will give you comment s3.style file. So until this file is available to you, कैसे किया जाए, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ दें हम, केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, एक बार आप सीख लोगे तो सब आने लगेगा फिर। यस सर, ये बोरिंग है ऐसा। सर भी हम इसको भर छोड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, केमिस्ट्री वालों का तो वही करना है ना, उन लोगों के लिए कहाँ से बोरिंग होगा। एक्सक्यूज मी सर, हमारे लिए मैथ बोरिंग है सर। हाँ। सर ये क्यों कर रहे हैं सर हम, आप पिछले हफ्ते नहीं थे क्या क्लास में? पता नहीं सर, मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। मतलब वो तो समझ गया मैं, ये कैसे कर रहे हैं वो मैं समझ गया, मैं ये नहीं पता चल रहा कि हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम, है ना। पिछले हफ्ते क्या, जब हमने पढ़ाया था ना, तो बोला था कि आप लोगों को रिसर्च पेपर लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है लेटेक्स, वो समझाएंगे करके। तो वो तो सर हमने पहले लिखे, मतलब जो हमने वो तो सर हमने वर्ड में लिखे, ग्रेजुएशन में लिखे हैं जो सर हमने, वो तो हमने वर्ड फाइल में लिखे हैं। गुड, वर्ड में काफी अच्छा रहता है। तो अब लेटेक्स क्यों सर? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, वर्ड में काफी अच्छा रहता है क्या, ये पूछ रहा हूँ बस। पता नहीं सर, लेटेक्स यूज तो किया नहीं पहले मैंने कभी, तो मेरे लिए तो सर वर्ड ही अच्छा है। आपके लिए वर्ड ही अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग प्रोग्रामिंग पे वर्क कर रहे थे और बातों बातों में हमने बताया कि लेटेक्स भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट सॉल्व किए थे ना, वो सारे के सारे लेटेक्स में सॉल्व किए थे, ठीक है। yes, तो उससे क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपने यहाँ लिखा कुछ भी नहीं है, चैप्टर वन चैप्टर टू, आप वर्ड में ये पूरी चीजें यहाँ से यहाँ तक की लिखोगे, है ना। yes, और लिखने yes, के बाद लिखने के बाद पता लग रहा है कि कहीं कोलोन लगा रहे कहीं कोलोन नहीं लगा रहे। यहाँ हमको बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करना है, हमने सिर्फ चैप्टर लिखा है, चैप्टर लिखा तो ये ऑटोमेटिकली अभी राइटिंग रनिंग वाला चैप्टर टू बन गया मैंने यहाँ, और ये जो दूसरा लिखा हुआ ये चैप्टर वन बन गया अपने आप, ठीक है। और ये जो लास्ट yes, वाला वो चैप्टर फाइव बन जाएगा अपने आप, ठीक है। yes, अब दूसरी बात ये है कि वर्ड में जब आप लिखते हो तो एक के नीचे एक आता है,
मैंने बुक लिखा है तो हर ऑड नंबर पेज पे ही चैप्टर लिखा आएगा, इवन नंबर पेज पे चैप्टर नहीं लिखा आएगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी सारे टेक्स्ट डाल लो, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास है बुक प्रोजेक्ट, कहाँ पर है, पाइथन बुक प्रोजेक्ट है, मे बी सी में देखते हैं, सी में कोई बुक प्रोजेक्ट लिखा है क्या। मैंने एक बुक आप लोगों को भेजी थी ना यूनिट टू की, कभी यस सर एक बार भेजी है, तो वही बुक हम लोग यहाँ तो बुक दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ से भेजा था आप लोगों को ये बुक। चलो कोई बात नहीं, हम किसी डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट को लिख लेते हैं। दिस इज द कंटेंट ऑफ होल डॉक्यूमेंट। ये कंटेंट तो आ नहीं पाएगा पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पर कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। किस जगह पे पेस्ट कर दिया, जो मेरी ये वाली फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको कंपाइल करने के बाद दैट वाज टू मच टेक्स्ट। ओहो, हर जगह फ्री की चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो हम एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन, सेक्शन का नाम रखते हैं पुणे यूनिवर्सिटी। और इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत सारा टेक्स्ट है, कुछ भी रैंडम एब्रप्ट सा टेक्स्ट हमने पेस्ट किया है। अब यहाँ पर ये जो है लाइन नंबर मिसिंग समथिंग, तो हम ये वाला जो पर्टिकुलर है, क्या क्या चीजें मिसिंग है इसमें, बहुत सारी चीजें मिसिंग है सर, डॉलर कहाँ, डॉलर मिसिंग है यहाँ। चलो डॉलर लिख देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अगली एरर उसकी नेक्स्ट लाइन पे आएगी, देख लेना, है ना। तो ये डॉलर हमने यहाँ पर भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि जहां जहां HTTP लिखा उसको उड़ा देते हैं, तो हमारे डॉलर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज वन डॉक्यूमेंट, हियर यू कैन सी दैट दिस डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग, बट फॉन्ट साइज जो है वो कहीं पर भी ज्यादा और कम नहीं हो रहा है। यस और नो? यस सर, यस। आप कहीं भी देख लो, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे देख लो, और मान लो ये सेक्शन चल रहा है 5.1, तो इवन नंबर पेज पे जो आएगा 5.1 आएगा, ऑड नंबर पेज पे आएगा कि ये बुक किसकी है। मैंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा, वर्ड में आपको अलग से लिखना पड़ता है, समझाना, ठीक है। अब हम देखते हैं एक के बाद एक, ये कुछ हमने रैंडम टेक्स्ट जो दिया हुआ है, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है, सपोज ये सब सेक्शन बनना चाहिए, सब सेक्शन, फाइन, ये हमने लिख दिया, और इसके नीचे ये पॉइंट आ गया कोर्स प्लान का। और अब ये कोर्स प्लान जो है वो किसी तरह से आइटमाइज होना चाहिए, बिगिन, जस्ट देखते जाओ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आइटमाइज, ओके। अब यहाँ पर ये मैंने जितने भी आइटम जैसी चीजें आ रही हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसके बाद मैंने लिखा आइटम, आइटम लिख दिया, और जहां जहां मैंने आइटम लिखा वहां वहां क्या होगा आप देखिएगा।
सब बिगिन और एंड आइटमाइज के बीच आना चाहिए। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये बुलेट बन गए अपने आप, और मैंने 5.1.1 भी नहीं लिखा, मुझे याद कुछ नहीं करना पड़ता है, सारी की सारी चीजें अपने आप ही आती है। यस और नो? यस सर। ये आपने आइटमाइज कर दिया। अब मान लो कि आप टॉपिक बनाना चाहते हो, है ना, टॉपिक आप बनाना चाहते हो, किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो, बिगिन डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन पे आप पहुंच गए, और फिर यहां पर हमने आइटम यूज किया, आइटम 1 2 3 आइटम यूज करते हैं या DES यूज करते हैं ये देखना पड़ेगा मुझे। यस आइटम फाइन। अब हमारे पास है कोर्स प्लान लेक्चर वाइज ये बना हुआ है। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर एज इट इज, पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट आइटम डाला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंट्रोल एक्स, ये तो हो ही गया है। अगला आइटम हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर का है ना, फिर मैंने डाल दिया आइटम कंप्यूटर हार्डवेयर। अब आप देखिए कि ये साइडलाइन होते हुए अच्छे से फॉर्मेटेड बनेगा। ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जैसा आप चाहते हो कि इस तरह से कुछ दिखना चाहिए तो वो इस तरह से दिखने लगेगा। इसके बाद अगली चीज है हमारे पास, ये सारा का सारा हम ले लेते हैं, अरेज, रिकर्शन, वेरिएबल, पॉइंटर्स, यहां तक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मुझे सिर्फ आइटम बनाने हैं इनके, तो ये मैंने आइटम रखा, कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ था, कंप्यूटर हार्डवेयर को हटा दिया। अब मेरे पास अगला आइटम जो आएगा वो आएगा एल्गोरिदम का, तो ये एल्गोरिदम वाला आइटम आ गया, ठीक है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। फिर अगला आइटम जो है वो आ गया मेरे पास इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग सी, और फिर एक और मेरे पास अगला आइटम आ गया वेरिएबल्स वाला, और सपोज कंट्रोल एंड फ्लो स्ट्रक्चर भी इसी में शामिल है, और ये भी इसी में, बस यहाँ तक। इसके बाद फिर मैंने अगला आइटम डाल दिया ये वाला, लूप एंड एप्लीकेशन ऑफ एबव कॉन्स्टेंट, ये सब डाल दिया मैंने, ठीक है, पावर एटसेट्रा। नाउ कम टू अरेज एस अनदर आइटम, सो ये अरेज आ गया। फिर वन मोर आइटम इज सॉल्विंग, एंड देन कंट्रोल वी अनदर आइटम फंक्शंस, एग्जाम्पल यूजिंग फंक्शंस, देन रिकर्शन एंड फंक्शन, ये सब हमने पढ़ा है ना, ऐसा कुछ था ना सिलेबस में, इसके बाद अगला है यूनियन। ये पूरा आप लोग पढ़ने वाले हो है ना, जो आप कोर्सेरा का कोर्स करोगे उसमें सारी चीजें हैं एक के बाद एक। और इसके बाद हम आ गए एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स में, यहाँ पर भी हमने आइटम डाल दिया और टॉपिक काउंट हटा दिया, ये पॉइंटर्स की एप्लीकेशन चालू हो गई, डिलीट एलिमेंट, और ये टोटल 40 चीजें हमने पढ़ी। अब इसको रन करवा के देखिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये क्लियर कट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो अलाइनमेंट है बुक लिखा होने की वजह से इधर से है, और फिर ये कुछ ज्यादा ही इधर से है चैप्टर 5, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो बुक का होता है वो दबता है, दबता है यानी बाइंडिंग में दबता है वो, करेक्ट। और आप एक और देखिए कि जो भी चैप्टर वाला पेज है उसमें बीचों बीच में पेज नंबर डाला है, आप कोई सा भी देख लो, और जो नॉन चैप्टर पेजेस है वहां पर लेफ्ट या राइट से डलेगा। यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट में डला है तो उसमें राइट में पेज नंबर डलेगा, समझ में आ गया यहां तक? यस सर। डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मान लो कि आपको नंबर देना है, जैसे ये सारी चीजें नंबर में आनी है, टेक्स्ट बुक जो है आप क्या चाहते हैं कि नंबर में आए, तो आपको क्या लिखना है, बिगिन एन्यूमरेट, बिगिन एन्यूमरेट, फाइन।
और इसके बाद इन दोनों को यहां पर पहुंचा दीजिए आप, और इसके बाद आप लिखिए आइटम फिर से, हर चीज का एक ही सॉल्यूशन आइटम, और इसके बाद ये कॉपी कर लीजिए और ये भी कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद आप इसको रन करवाइए। तो ये यहाँ पर 1 और 2 आ गए, और बुक दी हुई है हमारे पास, हम सारी की सारी बुक यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल भी डाल देते हैं, पूरा डाल देते हैं, जो भी हमारे पास बुक्स है उन सब के लिए हमने डाल दिया, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, को भी पेस्ट कर दिया, आप लोगों को बोला है क्या, क्या बोलते हैं, पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे आगे चल के? सर मेजर प्रोजेक्ट और समर इंटर्नशिप होती है सर हमारी, उसमें करना होता है, हमें करना होता है ना उसमें, यस सर, हाँ। तो ये उस टाइम काम आएगा आपके, यस सर। ओके, ये क्या बन गया हमारा, ये पूरे हो गए रेफरेंसेस। अब इसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड लिख लेता हूँ सेक्शन, और देखो मैं स्टार लगाऊंगा यहाँ, है सेक्शन स्टार लगाऊंगा, सेक्शन स्टार लगाने से सेक्शन का नाम नहीं आएगा, सिर्फ रेफरेंसेस लिखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ सेक्शन लगाया, तो सेक्शन लगाने से क्या होता है 5.1 5.11, वैसा यहाँ पर अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, वह यहाँ सिर्फ रेफरेंस लिखा आएगा। ये देखिए आ गया रेफरेंसेस। अब इसके बाद सपोज आप एक टेबल बनाना चाहते हो, है ना, तो आप टेबल कैसे बनाएंगे, मुझे एक्चुअली क्या है हेडर लिखना है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो हमारे पास ये पूरा की पूरा टेबल है, बिगिन टेबल एंड टेबल, बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर, ये पूरा की पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दूसरा टेबल बना के। ये यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया और इसमें एक कुछ भी चीजें डाली हुई है, और ये एरर भी आ गई, तो ये अब हमारा टेबल बनेगा। सो दिस इज द टेबल विच इज अवेलेबल एंड कैप्शन, यहाँ पर ये कैप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक एक एलिमेंट को समझिए। यहां से हमने ये परसेंट लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस, फाइन, और ये कमेंट है एक्चुअली, और ये इसके बाद ये आ गया, ये हमने परसेंट लगाया, फाइन। सो कभी कभी क्या लिखा रहता है, प्लीज सी टेबल नंबर, ओके, टेबल डैश 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 इन पेज डैश डैश डैश, ओके। अब आपको कैसा हो कि आप डायरेक्ट कोई यहां कमांड लिखे और ऑटोमेटिकली उस टेबल पे पहुंच जाए, तो ये टेबल का लेबल डाला हुआ है, ठीक है, आप इस लेबल को यहां पर कीजिए, और इसके बाद आप सिर्फ लिखिए REF, और फिर आप क्या कीजिए इस लेबल को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली इन पेज नंबर, ओके, सपोज यू वांट टू पुट इन पेज नंबर, सो लिखिए पेज रेफरेंस, पेज रेफ, पेज रेफ, ओके, पेज रेफ के बाद आपके पास वो टेबल का नाम रखा हुआ है, ये आप डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कितना आसान है कि अभी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, पेज नंबर टेबल, प्लीज सी टेबल नंबर 5.1 इन पेज 11, मैंने लिखा पेज नंबर, यस नो सर, तो इट इज वेरी गुड थिंग, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, ये सेम टेबल से, टेबल की हेल्प से मैं इसको बनाता हूँ। ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो दो कॉलम बने हुए हैं, ये दो और एक, तीन तीन कॉलम बने हैं। हम एक काम करते हैं कि तीन तीन कॉलम का test 1 test 2 test 3 और एंड सेमेस्टर एग्जाम का एक टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चंस test 1, ओके, यहाँ पर हमने लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर की जरूरत है, दूसरा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर की जरूरत है, और तीसरी जरूरत है हमारी क्वेश्चन की,
QUESTION, ये रॉ मटेरियल हमने प्रिपेयर किया। अब आपको सबसे पहले यदि टेबल बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा बिगिन टेबल, ओके। जैसी आप बिगिन टेबल लिखेंगे, और आपने बिगिन टेबल लिख दिया तो आपको एंड टेबल भी लिखना चाहिए। तो एंड टेबल आप कहाँ कर रहे हैं, और लेबल तक हमने इसको कर लिया, तो एंड टेबल हम सपोज यहाँ पर लिख रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन एंड करेंगे। अभी हमारा टेबल बनानी है, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे हम ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैब क्यू यू ई। फाइन, अभी हमारा पूरा मटेरियल अभी भी तैयार नहीं हुआ है, पूरा अब हम तैयार करते हैं। और फाइन, अब अगली चीज हमको क्या चाहिए, कैप्शन चाहिए। कैप्शन में हमने क्या रखा है, अगली चीज हमको चाहिए कैप्शन, तो हमने रखा कैप्शन यहां पर इसके जस्ट नीचे। कैप्शन में लिखा फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस, टेस्ट क्वेश्चंस और असाइनमेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चंस। फाइन, इसके बाद अगली चीज हमको क्या चाहिए, सेंटरिंग चाहिए। सेंटरिंग मतलब ये सेंटर में होना चाहिए, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉलम की। तो अगला हमारे पास आ गया सेंटरिंग वाला। अब हमने कॉलम डाला, कॉलम क्या डाला, कितने कॉलम चाहिए हमको, तीन कॉलम चाहिए, तो हमने तीन कॉलम डाला। सब में लाइन चाहिए क्या, सब में यदि लाइन चाहिए तो हम यहाँ पर डालेंगे ये वाला मार्क, ओके। सब में लाइन चाहिए तो ये वाला मार्क डालेंगे, ये हमने डाल दिया। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, दो लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो हमने इसके नीचे कर दिया दो हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर तीन कॉलम हमने बनाए हैं, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन से आ गया। अब हम डालेंगे हेडर, हेडर हमारे पास ये डला हुआ है। क्या हेडर है, पहला हेडर तो यही है, तो इसको हम क्वेश्चन और फिर इसके बाद एम्परसेंट लगा दिए, और फिर एक और एम्परसेंट लगा दिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब हम अगले पे पहुंचते हैं, ऐसा आप लोगों को इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं बता रहा हूँ। फिर से हमने यहाँ पर एम्परसेंट और वन लाइन एच लाइन, यू नीड एच लाइन, ये हमने एच लाइन कर दिया। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर एम्परसेंट और एम्परसेंट रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर से हमको एच लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है, वर्टिकल लाइन के तो सोचना ही नहीं है आप लोगों को। जब हम इसको रन करवाएंगे तो मे बी एक एरर आएगी, क्योंकि एंड टेबुलर हमने लिखा ही नहीं है। सो एंड टेबुलर अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ एंड टेबुलर और एच लाइन हमने यहाँ पर लास्ट में डाल दी इस टेबल के जस्ट ऊपर डाल दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, कुछ अजीब सा टेबल आएगा। 105 नंबर पे क्या एरर आ गई, नॉन अलाइन एच लाइन, तीन कॉलम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। वन टू थ्री, ओके, तीन कॉलम तो हमने दिया है, यहां पर भी तीन ही कॉलम लिखे हैं, एरर तो नहीं आनी चाहिए। चलो हम एक काम करते हैं, इतना मिटाते हैं और फिर रन करते हैं। तीन ही कॉलम दिख रहे हैं ना आप लोगों को, एच लाइन भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया। ओके फाइन,
टैबुलर के बाद ये लिखा, उसके बाद दो बार एच लाइन लिखी है, तो ये मैंने एच लाइन लिख दिया। यस, सो दिस इज अवर टेबल, ओके, misplaced table we have designed here. So assignment question. Now what we need to do, अब हम लोगों को करना ये है कि जो भी पूरा portion हमने बनाया हुआ है ना, इस पूरे portion को हम लोगों को अब इसी format में बनाना है. तो basic algorithm and thinking height ये आ रहा है and और and के बाद, और ऊपर क्या आ रहा है, question number one आ रहा है, serial number के अंदर one आ गया, question number one आ गया, और फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखा प्रोग्रामिंग तक, फिर ये टू स्टार्ट हुआ. तो टू स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पर लाइन डालनी पड़ेगी, लाइन डालेंगे तभी ये रन होगा. अब आप देखते जाइए, ये हमने वी किया और इसको भी पेस्ट कर दिया, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी हो गया. फिर हमने एम्परसेंट और एम्परसेंट पेस्ट किया, और फिर हमने क्या किया, दो बार एम्परसेंट पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कंट्रोल वी, टू टाइम्स एम्परसेंट हमने प्रेस किया. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब देखिए इसका अलाइनमेंट कैसे आता है. ओ, फिर से अलाइनमेंट प्रॉब्लम आ गई है, फाइन, नॉट एन इशू. एंड 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 so here you can see that whatever written in left hand side and whatever written in right hand side, you can see clearly that something will be appeared here, and h line is written or not written on the basis of this, this table will be appeared. Okay, so main ye table pura kar lu ya fir baad mein dekhenge hum log. बाद में देख लेंगे सर. श्योर ना, हो जाएगा? हाँ, यस सर. आप जैसा बोलो. मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को छोटा कर देता हूँ, फिर सबसे बढ़िया यही रहेगा. ये टेबल हमने छोटा कर दिया, तीन क्वेश्चन का टेबल बनाया. ऐसा टेबल नहीं बनेगा, आप लोगों को टेबल बनाने के लिए एक टूल है डायरेक्टली. सो मैंने यहाँ पर एच लाइन डाल दिया, एच लाइन, ओके. अब मैं एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में बता देता हूं, एच लाइन और ये एच लाइन. जब आपने टेबल शुरू किया तो दो बार एच लाइन लिखा यहाँ पर, ये वन टाइम्स लिखा एक्चुअली, टू टाइम्स एच लाइन लिखा, इसलिए दो बार ये एच लाइन आ रही है. फिर इसके बाद आपने ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लाइन खींच ली है. सपोज यहां मैं डबल लाइन डाल देता हूँ, यहां पर डबल लाइन डाल देता हूं मैं, तो डबल लाइन डालने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो यहां पर भी डबल लाइन आएगी. अब क्या प्रॉब्लम आ गई सर? एक बार और एच लाइन डालना पड़ेगा ना? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. हाँ, यहां ना, ओके. फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई? I don't know what is the problem. अभी तक तो सब सही था. ये ampersand लिखते हैं तो ampersand से divide होता है. Fine, okay. This is the problem.
तो ये टेबल बना हुआ है, और जब आपको डबल लाइन खींचना है तो यहाँ पर आप दो बार ऐसे बार को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट टू लाइंस। ओके, हियर यू कैन सी दैट इट हैज क्रिएटेड टू लाइन, फाइन। और यदि आप एक एच लाइन को हटा देते हैं, यहाँ पर एक एच लाइन को हटा देते हैं, तो टेबल जो है वो कनेक्टेड आएगा, ये टेबल कनेक्टेड आ गया। अब यहाँ पर बीच में कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, आप लोगों को सीधा सीधा डिवीजन दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन का भी डिवीजन यदि आप करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का भी डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। और इस टेबल में आपने ये जो सी लिखा है, सी की जगह पे यदि आप एल एल लिखेंगे तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। ओके, अभी जो सेंट्रली जस्टिफाइड है वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अब लेफ्ट में हो गया। अब ये सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन, इस तरह से आपने एक टेबल बना दिया। टेबल बनाना बहुत आसान है। अब हम इक्वेशन बनाना सिखाते हैं आप लोगों को। कोई भी इक्वेशन है ना? सो आप लोगों को लिखना है बिगिन देन इक्वेशन। और जैसे ही आपने इक्वेशन लिखा, अब सपोज एक इक्वेशन है, आप कोई समेशन, बहुत सारी टर्म्स का यूज करना चाहते हो, जैसे आप लिखना चाहते हो थीटा इक्वल्स टू सम, बहुत बड़ा इक्वेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 100 स्कोर पाई इक्वल्स टू 0 टू टेन। ओ यस, अनडिफाइंड सीक्वेंस, थीटा इज अनडिफाइंड सीक्वेंस। ओके, कुछ सिंबल्स जो होते हैं यदि नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर रखना पड़ता है, वो सिंबल्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा। बिगिन इक्वेशन में हमने ये सिंबल दिया है। ओके, तो हमको ये पैकेज है एएमएस मैथ, मैथमेटिकल पैकेज की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो ये आपको कहाँ रखना है? डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ यूज पैकेज लिखा रहता है उस जगह पे। तो एएमएस मैथ पैकेज तो है यहाँ पर, फिर पता नहीं क्यों ये नहीं यूज हो रहा है। लेट अस सी वंस अगेन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। बहुत बड़ा इक्वेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ गया ये? ठीक है, तो यहां मैंने लिखा एक्स इक्वल्स टू y टू द पावर y टू द पावर 5 प्लस 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स y टू द पावर 4 प्लस 6। ओके, सपोज दिस इज द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इस तरह से अपने आप बन जाएगा। जहां अंडरस्कोर लगाते हैं वो नीचे चले जाता है, जहां कैरेट सिंबल लगाते हैं वहां पर ये। अब आप सोचिए कि ऐसे कई सारे इक्वेशन यदि आपको लिखने हैं एक के बाद एक, सपोज ये अब 3 पे कन्वर्ट हो गया और ये हमने लिखा 9 या 6, तो आपके इक्वेशन नंबर भी अपने आप आते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। और अब स्पेशल सिंबल वाला इक्वेशन आपको बताना है। स्पेशल सिंबल वाला इक्वेशन मैं सीधे यहां से कॉपी और पेस्ट कर देता हूं।
ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आया, तो ये एक इक्वेशन बन गया पूरा, जो सम हम लिख रहे थे वही सम यहाँ पर है, और ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर भी क्रिएट कर देता है। तो जो अभी वर्ड की बात कर रहा था उससे मैं ये पूछूंगा कि वर्ड में ये इक्वेशन अपने आप क्रिएट होते हैं क्या, इक्वेशन नंबर? नो सर, नहीं होते ना। टेबल नंबर अपने आप बनते हैं? देखो मैंने टेबल नंबर नहीं दिया है कहीं पर भी। और आप हर वो चीज जो बिगिन से क्रिएट कर रहे हो उसको लेबल दे सकते हो, एले लेबल। सपोज आप कोई भी इक्वेशन का लेबल देना चाहते हो, इक्वेशन वन, ओके, तो अब आप इसको रेफर भी कर सकते हो। असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया एस रेफर, रेफर इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर आर ई एफ और इक्वेशन वन लिख दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन नंबर वन को रेफर करेगा। यहां पर देखिए रेफर अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दूसरी बार कंपाइल करूंगा तो अपने आप वन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5.1, वन भी नहीं आया, क्या आया? 5.1 आया। और यदि मैं ऐसी लेबल दूसरी जगह लगा दूं और दूसरे इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और इस तीसरे वाले को दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ओके, तो अब मैं जिसको भी रेफर करूंगा, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन 1, 2 मैंने लिख दिया, इक्वेशन 1, 2 फिर से मैंने रेफर लगा दिया और इक्वेशन 3 लिख दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, मेरे पास रेफरेंस बन जाएगा इक्वेशन 1 से लेकर 3 तक का। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब हम यहां पर बहुत सारी चीजें मिटा रहे हैं, और मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, एक बिबटेक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू, है ना। बिबटेक आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑथर है सी प्रोग्रामिंग के, मैं गूगल स्कॉलर में जाऊंगा, गूगल स्कॉलर, और ये मैंने गूगल स्कॉलर सर्च किया, यहाँ पर लिखा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस मैंने देखा, बिबटेक्स में देख लिया, और इसको एज इट इज कॉपी करके मैंने अपनी इस फाइल में पेस्ट कर दिया। सेकंड, और एक आध दो हम देख लेते हैं, ये हो गया केले की, डेनिस रिची की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका भी बिबटेक मैंने ले लिया, ये मैंने यूज किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और हम ले लेते हैं, और किसकी बुक ले ले, क्लोज करो, एंडरसन की बुक ले लेते हैं, एंडरसन का बिबटेक्स ले लेते हैं। तो ये मैंने तीन रेफरेंसेस लिए हैं, तीन क्या, मैं थोड़ा सा और भी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, जब आप बनाओगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। ऑर्डिनो की बुक है ना, ये हमने एक और ले ली, बिबटेक इसका लिया, इसमें बहुत सारे आइटम है, बहुत मजा आ गया। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, एक और लेना है पांचवा। अब आप लोगों को हल्का पुल्का आइडिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा ना कि सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अब मैंने इसका नाम मैंने सेव कर दिया, और सेव क्या करना है, इसका नाम लिखना है मुझे, क्या नाम लिखना है, रेफरेंस डॉट बिब, ओके, ये बिब्लियोग्राफी फाइल है, इसमें आप बिब्लियोग्राफी कहीं से भी लेके वो कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये जो कैले की बुक है, कैले की बुक को आपने रेफर किया है, कहाँ पर किया है, यहां पर रेफर किया है, इस जगह पे, चैप्टर वन जो है, चैप्टर वन जो है वो रेफर हुआ है कैले की बुक से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर साइट लिखा, और साइट लिखने के बाद मैंने लिख दिया कैले, ठीक है। अब इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, देखो इस पोर्शन पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यस और नो, यस दिख रहा है।
अब आपको करना यह है कि यहाँ मैंने बिबटेक्स लिखा और एक और बार बिबटेक्स लिख दिया, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम है कि मैंने तो अभी लिखा ही नहीं कि कौन सी स्टाइल का बिब्लियोग्राफी रखना है, तो बिब स्टाइल कमांड आपको देखना पड़ेगा। ये बिब्लियोग्राफी स्टाइल है आपकी, तो बिब्लियोग्राफी स्टाइल में मैंने लिख दिया अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड, फाइन। और इसके बाद मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा, बिब्लियोग्राफी फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या दिया हुआ है, कुछ नाम दिया है कि नहीं मैंने, माय गॉड, इसका नाम क्या दिया है, रेफ, ओहो, रेफ नाम से दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, आर ई एफ लिख देते हैं, ओके। सो अब बिबटेक फाइल जो है वो यहाँ पर आप देखो, आप लोगों को रेफ अवेलेबल हो गया, और ये मैंने बिबटेक को दो बार कंपाइल कर दिया। आई कुडंट फाइल फाइंड फाइल नेम, सो फिर से हम लोगों को ये फाइल को बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बनेगा नहीं, यहाँ पर ड्यूक डॉट टेक्स्ट को हमने बनाया, इस फाइल को क्रिएट कर दिया, फिर से क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने के बाद हम उसी प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ पर मैंने की बिब्लियोग्राफी ऐड की है। तो कहाँ पर ऐड की थी मैंने, कौन से चैप्टर में ऐड की है, याद है किसी को, ये यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर नंबर दिस पे। अब मैं यहाँ पर दो बार बिबटेक रन करूंगा, दो बार, एक बार से नहीं होगा काम, अनसॉर्टेड, ओहो, दिस स्टाइल इज नॉट फाउंड, सो कॉमन बिब्लियोग्राफी स्टाइल, IEEE is very common, so let me write IEEE. अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, इसको सेव कर दिया, इसको दो बार बना दिया। अब दो बार बनाने के बाद क्विक बिल्ड, क्विक बिल्ड, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि वो इस स्टाइल को भी नहीं ले पा रहा है, कौन सी स्टाइल को ले, सिंपल, IEEE अभी हमने देखा, प्लेन, प्लेन, प्लेन को देख लेते हैं, PLAIN, ओके। नाउ क्विक बिल्ड, दो बार आपको बिब फाइल को करवाना पड़ता है रन, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि आपने कोई भी चीज नहीं बताई इसको, ऑटोमेटिकली ये इटैलिक्स में भी ले लिया इसने, और जो नाम लिखना है, जो भी पब्लिशिंग है, वो इसने बिब्लियोग्राफी नाम से जनरेट कर दिए, क्योंकि अभी तक हमने एक ही को रेफर किया है। अब उसका एक नंबर यहाँ पर डला हुआ मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन मार्क पे नहीं मिला है, तो एक बार और रन कीजिए, और एक बार और रन करने के बाद यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 5 पे 1 मिलेगा। ये देखिए, ये 1 लिखा हुआ है। तो जिस ऑर्डर में आप साइटेशन यूज करेंगे, जिस ऑर्डर में आप यूज करेंगे, उस ऑर्डर में ये आपको देगा। अब सपोज कीजिए कि आप अल्फाबेटिक सॉर्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, आपका जो साइटेशन स्टाइल है वो अल्फा सॉर्ट है,
तो अब अल्फा चार्ट को आप कैसे करेंगे, मतलब सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आना चाहिए। तो एपीए साइटेशन स्टाइल आपको यदि ओपन करना है, यस, सो इससे अच्छा आपको मैं बताता हूँ प्लेन नेट इसके लिए, लेकिन आपको देखते हैं प्लेन नेट इज अवेलेबल और नॉट। सबसे ज्यादा जो वर्क हम लोगों को करना पड़ता है वो सिर्फ इसी में करना पड़ता है। यदि आपने इस साइटेशन पे पूरा फोकस कर लिया तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने प्लेन नेट यूज किया हुआ है और लेट मी चेक वेदर दिस प्लेन नेट इज अवेलेबल और नॉट। सो प्लेन नेट इज अवेलेबल एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर थिंग कैले एंड पोहल। ओके नाउ अदर साइटेशंस आर आल्सो अवेलेबल, तो मैं रिची को भी कहीं पर रख देता हूँ। और कहीं पर भी नहीं रखना है, मान लो कि मैंने इसकी पढ़ाई रिची से की है। किसकी पढ़ाई रिची से की है? इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर की पढ़ाई रिची से की है। तो मैंने साइट लिखा और साइट और इसके बाद मैंने रिची लिख दिया, ठीक है। जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो इस जगह पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा अभी, और दूसरी बार रन करवाने पर क्या आएगा, वहां पर सेकेंड नंबर जनरेट होना चाहिए, नहीं जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मुझे बिबटेक फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, और फिर कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करवाता हूं। अब देखिए वहां पर क्या आएगा साइटेशन, यहां पर पूरा लिखा आ गया कि कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये साइटेशन किया हुआ है। तो रिची एटल 1988, क्योंकि प्लेन नेट पे मैंने काम किया है तो प्लेन नेट पे ये इस तरह से दे रहा है, ठीक है। और अब आप रेफरेंसेस में देखेंगे रिची सेकंड नंबर पे आ गया होगा, रिची सेकंड नंबर पे आएगा, कैली फर्स्ट नंबर पे। भले मैंने कैली को कहां पर रेफर किया, इस जगह पे किया है ना। एक बार और मैं रिची को रेफर कर देता हूँ, यहाँ रिची को भले मैं पहले रेफर करूं पर आएगा कैले ही फर्स्ट। साइट एंड देन दिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये प्लेन है। एक्चुअली प्लेन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एब्रेब नेट यूज कर लेता हूँ। एब्रेब नेट बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। इसको चेंज करके फिर से एक और साइटेशन स्टाइल डाल दी है, अब आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग पूछते रहिए, है ना। क्योंकि क्या है, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी एलिमेंट्स कवर करने थे वो मैंने कर दिए। कोई ऐसा डाउट हो कि लेटेक्स ही क्यों यूज करना चाहते हैं हम, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यदि कभी आप रिसर्च पेपर बनाओगे तो आप लोग यदि लेटेक्स में रिसर्च पेपर देते हो वो रीडेबल ज्यादा रहता है और उसके छपने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो प्लेन नेट एब्रेब नेट क्यों नहीं यूज कर रहा है, आई डोंट नो। अभी वो यूज नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली मुझे एक पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, नेटबिग, यूज पैकेज नेटबिग। तो ये यहाँ पर पूरे साइटेशन स्टाइल दिए हुए हैं, है ना। तो मैं वो भी कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया एंड लिखा So here you can see that it is sorted in alphabetic order and some other kind of citation is coming. Okay. Whatever I am using on the basis of this, it will automatically generated
एंड लेट मी साइट अदर्स ऑल्सो लाइक एंडरसन प्रोग्राम इज साइटेड इन समवेयर बिलो दिस डिस्क्रिप्शन सो लेट मी यूज हियर हियर ऑल्सो यूज यहां मैंने इसको यूज कर लिया एंडरसन को साइट और इसके बाद मैंने बस आपको साइट कमांड भर देनी है ठीक है साइट कमांड आप देंगे उस जगह पे कुछ लिखा आएगा अभी इस जगह पे भी मैं साइट कर देता हूँ सी आई टी और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक और रेफरेंस बच गया हमारा ये वाला ये की होता है पहले नंबर का और हर किसी के लिखने का तरीका अलग होता है जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा और सपोज दो साइटेशन एक साथ डालना है तो मैंने कॉमा लगा के और एक साइटेशन डाल दिया ये डाल दिया मैंने ठीक है और इस तरह से ये पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर लिया है दो बार क्वेश्चन मार्क आ गए अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है तो जब क्वेश्चन मार्क आए तो आप लोगों को बिबटेक जमा वो करना है यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है एक बार और कर दिया अब ये पूरा हो गया इसके बाद मैं दो बार फाइल को रन करूंगा तो वहां के क्वेश्चन मार्क रिजॉल्व होके एक मीनिंगफुल साइटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये देखिए यहाँ पर लिखा है एटल 2014 और शाहीन एटल 2019 अब देखिए ये एक्चुअल में ऐसा नहीं आना चाहिए ये शुरू में लिखा हुआ आना चाहिए तो मुझे इसको पैरेंथेसिस में लाना है जब हम साइटेशन लास्ट में लिखते हैं तो पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो ये पैरेंथेसिस में लिखने के बाद आप देखिए ये पैरेंथेसिस के अंदर आ गया और अब यहाँ देखिए लास्ट में अपने आप ये रेफरेंसेस जनरेट हो गए तो अब आप बताइए कि वर्ड ज्यादा अच्छा है कि लेटेक्स ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए कोई है कि नहीं क्लास में यस सर है ना ओके तो अब आप लोग डिसर्टेशन लिखोगे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों वाले है ना मैथ्स वालों के लिए तो मस्ट है लेटेक्स यस सर नो यस सर बोला ही है आप लोगों को है ना अब एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बस एक बार बार यूज करना है जैसे मान लो ये साइटेशन है ना ये साइटेशन है अब मैं क्या कहना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फेलो मैं ये लिखना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बुक में अकॉर्डिंग टू ये लिख दिया मैंने ठीक है अब ये लिखने के बाद क्या होगा आप देखिए पूरा वर्ड जो है ना अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा कैसा रेफर कर रहा हूं ये आपको दिखाई देगा वहां इस पर्टिकुलर जगह पे अकॉर्डिंग टू रिची ईटल 1988 ऐसा बुक में लिखा रहता है हाँ यस सर लिखा रहता है ना तो अब आप सोचिए कि ये क्यों लिखा रहता है आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं लिखा रहता ये लिखा रहता है रेफरेंसिंग तो मैंने आप लोगों को रेफरेंसिंग सिखा दी है सी प्रोग्रामिंग की क्लास में है ना तो अब आप लोगों से सभी लोगों से अपेक्षा ये है कि आप लोग जो अपनी डिसर्टेशन है बहुत अच्छे से लिखे और मैं जब तक हूँ नहीं हूँ मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास है आप लोग मुझसे शेयर कीजिए और उसके बाद आप बताइए कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं कहाँ हैंग हो रहे हैं तो मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा इसका फायदा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि अपने आप को ये जमा ले रहा है ना अब मैं मान लो इसी को रिपोर्ट कर देता हूँ बुक की जगह पे क्या कर देता हूँ रिपोर्ट और बुक में एक छोटा सा अंतर है अभी जो आप लेफ्ट और राइट देख रहे हैं ना वो लेफ्ट और राइट सीधा सीधा आने लगेगा ये देखिए ऊपर अभी हेडर आ रहे थे हेडर आने बंद हो गए अब सीधे एक के बाद एक पेजेस में आना शुरू हो गए यहाँ 10 पॉइंट लिखा है ना मैं इसको 12 पॉइंट कर देता हूँ फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा ये फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया ठीक है अब आप देखिए सीधे सीधे बीच में पेज नंबर लिखा हुआ है मैंने रिपोर्ट की जगह पे बुक कर दिया तो करेक्ट और रेफरेंसेस ये तो हमने बनाए हैं वाले रेफरेंसेस है और जो एक्चुअल बिब्लियोग्राफी वो इस तरह से आ रही है और टोटल पेजेस हो गए 8 क्लियर और यदि मैं इसको आर्टिकल कर दूंगा आर्टिकल तो ये एक एरर देगा हाँ How it is possible? बिना एरर के कैसे रन हो रहा है ये एक बार और करने पर शायद एरर आए मुझे ऐसा लगता है कि एरर तो आनी चाहिए एरर नहीं आ रही मतलब कुछ पिछली कंपाइलेशन के कारण है तो यहां पर मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए सेक्शन ओके और ये मैं सेक्शन लिखते जाऊंगा
अब आप देखिएगा कि इसका कंपाइलेशन पूरी तरह से बहुत अलग तरीके से हो जाएगा। जितने भी मैंने चैप्टर है उनको हटा के क्या कर दिया, सेक्शन बना दिया। यहां तो लिखा ही हुआ था, अब देखिए। अब आप देखिए ये सेक्शन बन गया है। अब आपको टाइटल भी चाहिए होगा, है ना? टाइटल तो यहाँ लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। इस पूरे का टाइटल है TITLE टाइटल, इंट्रोडक्शन टू लेटेक्स। फाइन, तो ये हमने टाइटल दे दिया तो टाइटल ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप मेक टाइटल ना लिखे, कमांड एक आपको देनी पड़ेगी, मेक टाइटल। ये मैंने दिया और अब मेरा नाम भी आएगा। इसने क्या बोल दिया, बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। ये मेक टाइटल मैंने डाल दिया, देखिए अब इस जगह पे आ गया इंट्रोडक्शन टू लेटेक्स। और एक दूसरे तरीके से भी लेटेक्स लिखा जाता है वो वाला, यदि यहाँ पर काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एरर भी जनरेट कर सकता है। ये देखिए, ठीक है, डेट डल गई, अपने आप मेरा नाम जो ऊपर लिखा हुआ था वो आ गया। और अब आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया, यस और नो? और यदि आपको यही डॉक्यूमेंट क्या करना है, टू कॉलम में लिखना था, ठीक है, तो टू कॉलम में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एंटर करके टू कॉलम लिखेंगे। अब ये देखिए, आप यहाँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल टाइटल तो यहाँ फ्रंट पेज पे आ गया है, है ना? ये टाइटल फ्रंट पेज पे आ गया, यहाँ से इसने टू कॉलम में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब कुछ एक जगह, जैसे टेबल जो है, टेबल को बहुत सारी जगह चाहिए, तो टेबल को जब बहुत सारी जगह चाहिए रहती है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि टेबल पे जाते हैं और टेबल की जगह पे यहाँ पर एक स्टार लिख देते हैं, टेबल स्टार, और लास्ट वाला टेबल स्टार लिख देंगे, तो ये बीचों बीच की जगह ले लेगा। सिमिलरली नेक्स्ट टेबल के लिए भी एक हम स्टार लिख देते हैं और लास्ट लाइन में स्टार लिख देते हैं। कहाँ है लास्ट लाइन, ये। अब आप देखिए टेबल जो है वो अपने आप जगह घेर के बन जाएगा, देखा? और इसके बाद ये रेफरेंसेस आ गए। और टू कॉलम से वापस हटके यदि आप उसको हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है जैसा डॉक्यूमेंट लिखा है वैसा हो जाएगा ये। तो कोई डाउट है आपको? सर आप ये फाइल शेयर कर सकते हो? बिल्कुल शेयर कर दूंगा, मैं अभी शेयर कर देता हूं। अब आप लोगों को करना ये है, जैसे ये जो रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये रेफरेंसेस चुन चुन के आपको रेफरेंस वाली फाइल में डालना है, ठीक है? जैसा मैंने बिबटेक्स में बताया वैसा डालना है, और वैसा करने के बाद उसको कहीं ना कहीं रेफर करना है आपको, ठीक? तो मैं ये फाइल आप लोगों को, दोनों फाइल शेयर करना है क्या? नहीं, बस यही फाइल शेयर कर दो, एक दूसरी भी लगेगी। बी सेक्शन कहाँ है अपना, MSc मैथ्स, ओके, वो इसमें नहीं है। कहाँ शेयर करूँ मैं आपको? लैब वाले, MSc प्रोग्रामिंग, यहाँ पर, ओके, बस वन सेकेंड। सी प्रोग्रामिंग सेक्शन बी, ये है ना? ये पहली चीज मैंने पेस्ट कर दी है, पहली फाइल है। इसको किस एक्सटेंशन से सेव करना है आपको? .txt.tex, ठीक है? अब दूसरी फाइल भेज रहा हूं मैं, रेफरेंस वाली। इसको आपको जो भी नाम रखेंगे वो याद रखना है, ठीक है? क्योंकि वही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये है, कहाँ है आप लोगों का MSc ग्रुप, ये है। इसको आप लोगों को बिब नाम से सेव करना, बिब रिप्लाई एंड डॉट बिब, ठीक है? अब ये दोनों एक्सटेंशन हो गए। आपको ध्यान रखना है कि जो भी नाम आप रखेंगे यहाँ पर इस फाइल का,
वही नाम यहाँ पर देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है, लास्ट लाइन पे बता रहा हूँ मैं। ये जो लास्ट लाइन दिखाई दे रही ना, बिब्लियोग्राफी स्टाइल और उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ रेफ, तो ये रेफ जो है इसका नाम है, ठीक है? ओके सर। और ये सब एक ही फोल्डर के अंदर शेयर करना, एक ही फोल्डर के अंदर रखना, ठीक है? और इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। एमएससी लैब लेटेक्स ये पूरी फाइल मैंने शेयर कर दी, पीडीएफ वगैरह सब जितनी भी चीजें हैं, है ना? अब आप लोग देख लेना। ओके सर। तो अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे के सारे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इसमें देंगे, लैब में करके दे देंगे। एक लाइन में बस आप लोगों को समझा रहा हूं। बिगिन, ये देखिए बिगिन वर्बेटिम लिखा हुआ है ना, और एंड वर्बेटिम। जब आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बस उसके लिए ये एक मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मैं कोई भी प्रोग्राम एक ओपन कर लेता हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो सी प्रोग्रामिंग, वेयर इज सी, सपोज दिस इज वन प्रोग्राम, ओके। तो ये प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसके अंदर जैसा पेस्ट किया, अब इसका आउटपुट आप देखिए, जैसा आप पेस्ट करोगे, जितना स्पेस दोगे उतने ही स्पेस पे ये प्रोग्राम प्रिंट होके आ जाएगा। क्या लिखना है, बिगिन वर्बेटिम एंड एंड वर्बेटिम, ये वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, ये जब आप प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए काम आएगा, तो मैं ये पोर्शन भी आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। व्हाट्सएप यहाँ पर, कोई और डाउट आप लोगों का? नो सर। फाइन, तो सोम्या आपको तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। सोम्या नहीं, सोनम, ओके। समझ में नहीं आया तो क्लास से ही बाहर चले गए, है ना, अटेंड करके मोबाइल चालू करके। नो सर, यहीं पे। हाँ बताओ, आपको समझ में आया नहीं आया? सर ऐसे मतलब कमेंड, जो कमांड्स वगैरह वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने साइलैब वगैरह किया हुआ है, बट ऐसे मतलब वो तो एक बार स्टार्टिंग में समझने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ, तो ये आप डॉक्यूमेंट देख लेना, डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर देख लेना, बस ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पैकेज आप यूज करते हो उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि मैंने स्त्री नाम का पैकेज वहां पर भेजा हुआ है आप लोगों के व्हाट्सएप में, तो पूरी फाइल को एक फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेना है, है ना, और आप लोगों को देख लेना है, और नहीं बनेगा तब फिर मैं बताऊंगा बाद में कभी। और एक आध हम असाइनमेंट करेंगे इसी का यूज करके, और असाइनमेंट करने के बाद फिर आप लोगों को शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझता हूँ कि वर्ड में इतनी सारी फैसिलिटी है नहीं, है ना, कि आप सिर्फ आर्टिकल लिखो तो आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, बुक लिखो तो बुक में कन्वर्ट हो जाए, और सब चीजों में कन्वर्ट हो जाए, बहुत आसानी से ये काम कर रहा है। और नंबरिंग आपको कहीं देखनी ही नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट करता है। अब जैसे पेज नंबर वाला है, तो पेज नंबर वाला जैसे कहीं पर हमने लिखा था ना, पेज नंबर सी दिस पेज नंबर, ऐसा कुछ कुछ लिखा था, सी टेबल नंबर वन इन पेज नंबर फोर, ऑटोमेटिकली टेबल नंबर वन और पेज नंबर फोर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया आज तो, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगले हफ्ते हम पूरा की पूरा जो है सेकेंड यूनिट के प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, और इसको लेटेक्स की फाइल में पेस्ट भी करते जाएंगे, है ना? ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।